अब एक दूसरा बछवा है जिसको रेस्क्यू करने के लिए हमारी टीम जा रही है और गांव के भी लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हमारी टीम देख सकते हैं आप लोग, हमारी टीम पूरे एक बछवे का रेस्क्यू हो चुका है। थक चुकी है टीम उसको दौड़ाते दौड़ाते, फिर भी हिम्मत नहीं हार रही है हमारी टीम, लगी है। उसका भी इलाज लगे हाँ तो कर दिया जाए, नहीं तो कितना दर्द में रहेगा, कितने दिन तक रहेगा, ये सब बातों। अब हमारी टीम उसको निकालने के लिए जा रही है, वो किसी सरसों के खेत में है पता चला है, और यहाँ पे सभी खेत में फसल भी हो गई अच्छी तरह खासी, तो दौड़ाना भी ठीक नहीं, फसल भी खराब होगी, किसान भी नाराज हो जाएंगे हम लोगों से। तो उसको नेट लाया गया है खरीद कर, और रस्सी के माध्यम से उसको बाहर ही पकड़ने की कोशिश की जाएगी हमारी टीम के द्वारा, ताकि किसी को और किसी के फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। पूरा कोशिश कर रही है उसको पकड़ने का, मगर वो लगता है फिर से यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, ये गहरा भी है, और हमारी टीम फिर भी उसमें लगी हुई है। देख सकते हैं आप लोग हमारी टीम का ये मेहनत और प्रयास, उसके गले में जो रस्सी है बस उसी के लिए हमारी टीम मेहनत कर रही है। अभी एक बछड़े को आप लोग देखें, हमने रेस्क्यू किया, उसका पूरा गला कट गया है, उसका पूरा गला कट गया था, जिसके कारण वो बहुत चोट से ग्रसित, करीबन उसके सर पे 2 इंची तक रस्सी घुस गई है। तो ऐसी बात, तो अब देख सकते हैं आप लोग ये काफी उग्र रूप धारण कर रही है, और सबको डर भी लग रहा है कहीं मारे ना, कहीं ये कुछ करे ना। फिर उसके पीछे लिए देखिए दौड़ रही है, सब लोग जोश और जुनून में दौड़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन है इसका, हमारी टीम काफी मुश्किल से इसका सामना कर रही है, बहुत मुश्किल है, चोट लगने का भी डर है, मगर हमारी रस्सी को हमारी टीम को बस ये है कि उसका चोट किसी प्रकार से ठीक कर दिया जाए, उस जानवर को किसी प्रकार से उसके दर्द से मुक्ति दे दिया जाए, इसलिए हमारी टीम रातों दिन प्रयास कर रही है उसके। सरसों में देखिए घूम रही है, खुशी है कि उसको पकड़ा गया कम से कम, और ये काफी बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहा है हम लोगों से। एक्शन दिखावा आप लोग देख सकते हैं, अब उसको पकड़ने का रेस्क्यू जारी है हमारी टीम के द्वारा, देखते हैं क्या होता है। हमारे सभी मेंबर लगे हैं चारों तरफ से उसे घेरे हैं, कुछ लोग इधर हैं कुछ लोग उधर हैं। देखिए हमारी टीम पूरी मेहनत लगन से लगी हुई है, मगर फिर भी निकल गया। टीम को देख सकते हैं अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटे इसमें लगे हो गए, और 2 घंटे उस वाले बछड़े को रेस्क्यू करने में लगा। काफी खाली एरिया है जिसके कारण लोग बहुत भाग रहे हैं, बहुत दौड़ा रहे हैं, किसानों का बहुत हमें गाली वाली सुनने को मिल रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है वो तो बोलेगा ही, मगर ये बात इस बछड़े को कहाँ समझ में आ रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसके गले की रस्सी को काट दिया जाए, कम से कम इसके दर्द से इसको छुटकारा दे दिया जाए, लेकिन ये ना समझ है, ये इसको लग रहा है कि हम इसको चोट पहुंचाएंगे, इसलिए ये
उस प्रकार से भी अब कर रहा है, बहुत उग्र रूप धारण कर रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। हमारी टीम पूरी जोश और जुनून के साथ लगी हुई है। देखिए हमारी टीम इसको फिर से पकड़ने के लिए